हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला जो ब्लॉग है वो दो तीन दिन के क्लिप्स जो है वो ऐड करके मैंने बनाया है। तो ये स्टोर रूम मैं थोड़ा सा सेट करी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है घर में थोड़ा सा हमने सेटिंग वगैरह चेंज किया है, फर्नीचर वगैरह चेंज किया है, तो वही काम सब लगा हुआ है। एंड आप सबके बहुत सारे सजेशंस भी आए थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कुछ कुछ तो मैंने अप्लाई किया है, कुछ कुछ मैंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे ही काम करना है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग सारा सेट किया जिससे आसानी हो। एंड ये हो गया था नेक्स्ट डे। भाई और जीत मिलके यहाँ पे एक लाइट सेट कर रहे थे, क्योंकि हम ड्रैगन मार्ट से लेके आए थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ इसको सेट करने, मतलब बहुत टाइम लग गया एक्चुअली। तो अगर आप इस टाइप का कोई लाइट लिख के आते हो ना, तो उन्हीं से ही फिक्स कराओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो बस यही सब लाइट वगैरह फिक्स हो रहा है, थोड़ा सा घर का सेटिंग वगैरह इधर उधर चेंज हो जाता है ना, तो घर नया नया लगता है, अच्छा लगता है देखने में। एंड बस ये हो गया है नेक्स्ट डे अगेन। एंड शिवा से मैंने बोला ये वाला जो स्लाइडर है ना, ये बहुत इसके अंदर धूल जम जाता है, तो ये वाला मैं ले के आई थी, तो मैंने तो पहले क्लीन किया इसको, फिर मुझे डस्ट से वो छींक होने लग गया, तो फिर मैंने शिवा को बोला कि थोड़ा क्लीन कर दे। तो यहाँ पर शिवा क्लीन कर रहा था, तो सिम्बा पे वो बैठ के उनको देख रहे थे कि शिवा अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैंने स्टोर रूम, लिविंग रूम, किचन कैसे क्या ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी हनी बनी का रूम, बेडरूम अभी थोड़ा बाकी है, वो मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। तो एंटर करते के साथ ही इंटरकॉम है, ये जगन्नाथ जी की फ़ोटो है, ये 10 अवतार का वो है, एंड गणेश जी है। एंड यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया है ताकि ये भी छुप जाएगा, एंड जब बाहर जाते थे थोड़ा सा फेस भी देख लोगे। एंड ये तो हमारा शो स्टैंड यहीं पे था, तो यहीं पे है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे सजा दिया है। ये ऊपर वॉल क्लॉक है, इस तरफ को हमने ये सारे लगा दिए हैं, एंड इसके ऊपर थोड़े से ऐसे डेकोरेशन के पीसेस लगा दिए, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे ये जुराब वगैरह पहनने के लिए, ये बैठ के पहन सकते हैं, अंदर हनी बनी के जूते वगैरह भी रहते हैं। इस तरफ को है हमारा स्टोर रूम। तो स्टोर रूम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है, साथ साथ बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइज हुआ है। ये वाला हमने शेल्फ जो है वो पहले लगाए थे दिवाली के टाइम पे, या दिवाली के बाद, तो ये तो ऊपर जैसा था वैसा यहाँ पे, और एडिशनल 2 हमने लगाए। तो नीचे सारे हमारे यहाँ पे ट्रॉली बैग्स आ गए हैं, जो कि हनी बनी के वार्डरोब के ऊपर रखे थे। एंड ये तो उनका कार सीट है, ये हम लोग निकाल देंगे, फिलहाल तो यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। मतलब ये ख़रीदने के 1 महीने के बाद ही उन्होंने कार सीट में बैठना छोड़ दिया, तो ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे सारा रख दिया है। यहाँ पे हो गए हमारे कारपेट्स, ये कैसा है रखा हुआ है, ये वाला प्लांट मैं अभी और लिविंग रूम में रखूँगी नहीं, बट फिलहाल इसको स्टोर रूम में रखा है, अगर कभी कहीं और शिफ्ट होते हैं, कहीं पर रखने की जगह होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। बाकी यहाँ पे हमारा एक और एक जो एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह है वो सब मैंने रखे हैं, जो कि पार्टी वेयर है या इस टाइप के रखे हैं। इस तरफ को आपको पता है मेरा वॉशिंग मशीन है, इसके ऊपर भी हमने पहले से ही शेल्फ लगाए हुए थे, तो इसके ऊपर जो मेरे सारे बड़े बड़े बर्तन है ना, वो सब मैं यहीं पर रखती हूँ। एंड ऊपर ये सब रखा है, ये एडिशनल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, बट जितने बोला कि रखे रहे, कभी कोई सामान आता है एक्स्ट्रा, ग्रॉसरी वगैरह लेके आते हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं फिलहाल। एंड यहाँ पे एक छोटा सा वो रखा हुआ है, तो जो डेली वेयर के चप्पल है या हनी बनी के स्कूल जो डेली पहन के जाते हैं ना, तो यहीं पे रखा है। एंड ये हमारा सिम्बा है सिम्बा का खाना नीचे रखा है, सिम्बा का खाना, सिम्बा का लिटर, तो ये कैट का जो भी सामान है वो सब उस टेबल के अंदर रखा है। तो स्टोर रूम में अभी काफ़ी स्पेस हो गया, आप देख सकते हो, पहले बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, अब पूरा आराम से आओ, छोटा सा स्टोर रूम है, स्टोर रूम लॉन्ड्री रूम है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज हो गया है ये। तो स्टोर रूम से निकलते के साथ ही यहाँ पे है हमारा गेस्ट वॉशरूम, पाउडर रूम, एंड ये है हमारा वो चेस्ट ऑफ ड्रॉयर जो कि उधर था, तो यहाँ पे रख दिया है। एंड उसके ऊपर ये जो मिरर लगा था वो भी वहीं पे ही लगा दिया है, बस इसके ऊपर थोड़ा बहुत ये सजा दिया है। ये हमें गिफ्ट मिला था, ये मैं खरीद के लाई हूँ, मुझे अच्छा लगा ये, इसमें से कैंडीज वगैरह रखने के लिए, घर पर कोई आता है ना तो ऐसे जाते टाइम थोड़ा बहुत कैंडी वगैरह, तो ये मैं लेके आई हूँ। बस यहाँ इसके ऑपोजिट है हमारा किचन, जो कि आप हमेशा देखते हो मेरे ब्लॉग में, एंड इसका मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, ये वाला जो शेल्फ में और एक एडिशनल लेके आई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारा सामान मैंने रख दिया है, जो कि ऐसे ही नीचे रखा रहता था ना, तो मैसी लगता था, तो आलू, प्याज, लहसुन वगैरह, पानी बॉटल वगैरह, एयर फ्रायर है यहाँ पर,
तो उसको ऐसे ही रख दिया। एंड वैसे भी ये दरवाज़ा ऐसे हमेशा खुला रहता है तो वो दिखता भी नहीं है। ये हो गया मेरा एक क्रॉकरी यूनिट, ये पहले से ही था। मग होल्डर यहाँ पे एक लाके मैंने रखा है, जो कि बहुत सारे मग्स मेरे यहीं पे पड़े रहते थे ना, तो ये काउंटर काफ़ी मतलब वो हो जाता था, मग्स से भरे हुए रहते थे, तो मग सारे ऊपर हैंग हो गए हैं तो अच्छा भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे फ्रिज रहा है, तो फ्रिज में मुझे मैग्नेट्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं खूब सारा मैग्नेट लेके आता है, तो वो सब रखा है। ये साइड में एक छोटा सा वो है रैक है, उसमें मैंने जैसे अचार वगैरह ये सब ग्रीन टी वगैरह वो रखा है। एंड ये हो गया मेरा टी कॉफ़ी यूनिट, स्पून ये सब जो था वहीं पर। ऊपर यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, वो सारा मैंने हटा दिया है, उसको क्लीन कर दिया है। ये भी हटेगा इसमें, तो मैं बैम्बू वो वाला रखूँगी, तो वो बाद में जब लेके आऊँगी तब इसमें मैं रखूँगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा काउंटर जो है यहाँ, ये पूरा सारा क्लीन ही है, मतलब और काउंटर में कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया सिंक एरिया, नीचे तो हो गया मेरा डस्टबिन वगैरह, ये तो बर्तन, यहाँ पर कुछ ड्रॉयर्स है। एंड यहाँ पे हो गया हमारा माइक्रोवेव, जिसको आप शेल्फ़ के अंदर ऑब्वियसली नहीं रख सकते, काउंटर टॉप पर ही रहेगा। एंड ये एक ट्रे, ये भी गिफ्ट मिला था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे कुछ छोटा मोटा सामान जो है वो रखने के लिए। एंड ये ऑयल वगैरह आप डेली यूज़ करते हो तो उसको भी मैंने बाहर रखा है, ये स्पैचुलस मैं डेली यूज़ करती हूँ तो उसको भी मैंने बाहर रखा है गैस स्टोव के पास में। एंड यहाँ पे ये सब जो था फूड प्रोसेसर तो टूट गया, एंड बाकी जो मिक्सर ग्राइंडर वो सब मैंने ऐसे नीचे रख दिया है। एंड यहाँ पे बस ये वाटर हीटर है, बाकी यहाँ पे भी वही घी है, नमक है, ये जो डेली यूज़ होता है ना वो एग डेली यूज़ होता है। एंड ये स्पैचुला होल्डर वो रख दिया है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ मग्स हैंग किए थे वो सब यहाँ से हटा दिए, वो थोड़े से डेकोरेशन के पीसेस जो है वो है रखे हैं, सॉल्ट पेपर वाला, ये मैं इसमें सॉल्ट पेपर नहीं है, ये मैं हम लोग कैपेडोकिया से लेके आए थे टर्की जब गए थे, तो वो बस मैंने सजा के रख दिया है। एंड ये हमारा उधर रहता था दरवाजे के पीछे, तो उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाता था, बस पानी हम लोग नॉर्मल डिस्पेंसर की तरह यूज़ करते थे। अभी यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, तो आराम से जैसे मुझे गर्म पानी पीना अच्छा लगता है, तो मतलब वार्म वाटर, तो गर्म पानी ठंडा पानी आराम से उसका यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमारा वैक्यूम क्लीनर है, बस ये एक मैंने स्टेप जो है वो रखा है, जैसे ऊपर हाथ नहीं पहुँचता है ना सामान, तो उसके लिए। तो किचन काउंटर मेरे हिसाब से पूरा क्लीन है, क्लियर है, एंड ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से ही सारा अरेंजमेंट करोगे, तो वही है। यहाँ पे मैं अपने लिए उत्तपम बना रही हूँ, बहुत भूख लगी है, तो उत्तपम बस प्याज हरी मिर्च डाल के उत्तपम बना रही हूँ। सो किचन आप लोगों को कैसा लगा बताना, मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया, ऑब्वियसली आप मैं यहाँ पे काम करूँगी, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है, तो मैंने अपने हिसाब से सारा अरेंज किया हुआ है। एंड मुझे किसी ने कमेंट किया था, मतलब कुछ लोग होते हैं मतलब सजेशन के नाम पे बहुत गंदा बोलते हैं, बार बार डेली आके कमेंट सेक्शन में गंदा ही बोलेंगे, अगर कभी आप उनको रिप्लाई कर दो ना तो वो बोलेंगे कि देखा तुम्हें बस सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना है, कभी तुम गलत सुन नहीं सकते, ये वो अपना उनका चल रहा। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि पहले तुम्हारा काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा मैसी है, तुमने इतना सामान वो रखा है, तो मेरा काउंटर टॉप मुझे मैसी नहीं लगता है, शायद आपको लग रहा हो नहीं लग रहा हो, आई डोंट नो, मेरा काउंटर पूरा क्लीन है, बहुत जगह है काम करने के लिए, आराम से काम कर सकते हैं। एंड मैं इतना बल्क कुकिंग करती हूँ क्योंकि मेरा किचन काउंटर टॉप ये सब खाली रहता है, तो भी मैं बल्क कुकिंग कर पाती हूँ। तो मैंने उनको वही रिप्लाई किया था कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हुआ है, तो वो इमिडिएटली मेरे प्रोफेशन पे आ गए, तुमने आईटी इंजीनियरिंग किया बट तुम देखो तुम एक हाउसवाइफ हो, मैं एक आईटी के बड़े कंपनी में वो करती हूँ, तो मैं यूट्यूब में अपना डेली लाइफ शो करती हूँ, ये मतलब गंदा लिखा। फिर मैंने बस लिखा था कि सारे काम को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो रेस्पेक्ट सबके काम को रेस्पेक्ट करना, कोई भी काम बड़ा छोटा या ईजी या डिफिकल्ट ये सब नहीं होता है, रेस्पेक्ट करना सीखो। देन वो तीसरा हुआ कि तुम बॉडी शेमिंग पे आ गई, तुम कितनी मोटी हो, 50 साल की लगती हो, ये आंट 50 साल की बुढ़ी लगती हो, मतलब ठीक है, मैं 5 साल की थी वो फेस भी देखा, 15 साल की थी वो भी देखा, 25 साल की थी वो भी देखा, अभी मैं जिस एज की हूँ वो भी मैं देख रही हूँ, आगे मैं 50 साल के भी होंगे, एंड सभी होंगे, सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, एंड एक ना एक दिन सब हर कोई 50 साल में पहुँचता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। मतलब मैं सच में मैं सोचती हूँ कि लोगों के मन में कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है
एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसका अगर आप कुछ बोलो तो दूसरा टॉपिक इतने मतलब कमेंट्स सुन के मुझे इतनी हंसी आई भी, और अपने आप को वो बहुत एडुकेटेड एंड बड़े आईटी कंपनी में जॉब करते सोचते, बस सोच देखो कितनी कैसी है। एनीवेज मैं अभी थोड़ा मुझे भूख लगी, मैं पहले उत्तपम खाऊंगी देन मैं आपको लिविंग रूम दिखाऊंगी। ठीक है चलिए मिलती हूँ फिर। सो गाइज ये है हमारे लिविंग रूम का न्यू लुक, फाइनल लुक नहीं है, फाइनल लुक तब आएगा जब यहाँ पे मंदिर आ जाएगा। तो मंदिर हमने बनाने के लिए दिया है, वो भी वार्म वाइट कलर का ही बनाया है एंड ईद के बाद वो डिलीवर होगा। बाकी जो चेंजेस किए हैं मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो ये डाइनिंग टेबल के चेयर्स जो है वो सारे नए लिए हैं, क्योंकि हमारे चेयर सारे टूट गए थे, तो हमने वेलवेट का बेज कलर का लिया है। इसमें से गोल्डन हैंडल है, गोल्डन लेग्स है, तो ये 6 चेयर्स लिए। टेबल हमारा जो पुराना था वही है, टेबल हमारा कुछ ख़राब नहीं हुआ था, हमने चेंज नहीं किया। बाकी सोफ़ा हमारा हालत आपको पता है क्या हुआ था, तो सोफ़ा हमने ये पूरा चेंज किया है। ये 3+3 1+1 के सेट में था, हमने 3-1-1 लिया है, यहाँ पे जगह नहीं है। और एंड ये वाला जो है ना सिंगल सीटर, ये बहुत चौड़ा है, हाइट भी उसका ज़्यादा है, तो वहाँ पर रखने से फिर बैल्कनी में जाने के लिए जगह नहीं था। एंड ऐसे अगर घुमा के रखो ना तो लिविंग रूम का पूरा लुक जो है ना वो अब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब इसका हाइट भी ज़्यादा है ना, तो पूरा जैसे अभी क्लियर लुक आ रहा है, मतलब वहाँ से कोई आ रहा है ना घर पे तो पूरा क्लियर लुक आ रहा है, तो वैसे नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये भी हमने वही वेलवेट का लिया है, बेज का सेम, इसमें भी थोड़े बहुत ऐसे गोल्डन के वो है एंड लेग्स उसके गोल्डन है। वेलवेट इसीलिए लिया है, आप लोगों को पता है कैट्स हमारे स्क्रैच करते हैं, तो ये वेलवेट अच्छे से स्क्रैच नहीं कर पाते हैं वो, इसीलिए हमने सारा मतलब फैब्रिक हमारा ऑलरेडी कन्फर्म था कि हम वेलवेट ही लेंगे। कुशन बस इसका चेंज होगा, हमने सारा ये वाला सिलेक्ट किया था, उन्होंने गलती से ये दे दिया है, तो वो ईद के बाद आके ये वाले कुशन सारे चेंज करके जाएंगे। तो ये जो 3 सीटर है ना ये काफ़ी लंबा है, मतलब उसका ये बहुत चौड़ा, मतलब आराम से 4 लोग भी बैठ सकते हैं इसमें। तो ये वाला सोफ़ा, इसके भी लेग्स वही गोल्डन है। एंड हमने ये वाला चेंज किया कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल हमारा ये बाप रे बेबो इधर सो रही है, दिख भी नहीं रही है देखिए। कॉफ़ी टेबल हमारा जो था वो सही था, ख़राब नहीं हुआ था, बट वो छोटा था, हम लोग मोस्टली यहीं पे खाना खाते हैं, तो हमने ये बड़े साइज़ का कॉफ़ी टेबल लिया है, वो भी वही ग्लास टॉप एंड गोल्डन के साथ में लिया। कारपेट हमने छोटा लिया इस बार, ज़्यादा बड़ा कारपेट लेने से घर पूरा भरा भरा लगता है, तो इसीलिए हमने बस टेबल के हिसाब से कारपेट लिया। हमेशा भी मैं ये डाल के नहीं रखूँगी क्योंकि ऑफ वाइट है, बहुत जल्दी गंदा भी हो जाएगा, तो खाली खाली मैं उसको मोस्टली रखूँगी। बाकी और कर्टन्स चेंजेस किए हैं, चेंज किया तो आपको दिखाया था, इस बार मुझे शेयर कर्टन्स लगाने थे, बहुत सालों से मैंने ब्लैकआउट कर्टन लगाया था एंड ब्लैकआउट कर्टन हॉल के लिए चाहिए भी नहीं, हॉल में ज़्यादा रोशनी आए अच्छा लगता है, तो मैंने बस शेयर कर्टन ही लगाया है। बाकी यहाँ पे लाइट ऊपर का चेंज किया है, ये हमने वही ड्रैगन मार्ट से लिया है, बहुत मुश्किल हुआ इस लाइट को फिक्स करने में, बट अच्छा लग रहा है, ये जब बंद होकर रहता है ना तो भी सुंदर लगता है। तो इसमें 3 कलर्स है, ये वाइट है, एक येलो आता है, एक वॉर्म आता है, तो अभी मैंने वाइट जला के रखा हुआ है। ये एक हमने लिया है 7 हॉर्स, ये बहुत शुभ माना जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज हमने डाल के लिया है ताकि बेज के साथ में ऑरेंज जो है वो अच्छा लगे, प्लस हमारे वहाँ पे बल्ब जल रहा है वो भी थोड़ा सा येलो ऑरेंज बल्ब है, ये भी वो है, तो उसके लिए हमने ये लिया है। बाकी और वॉल पे हमने कुछ नहीं लगाया है, बस ये वाला वॉल जो है ना यहाँ पे एक फोकस लाइट लगा के यहाँ पे फोटो वॉल बनाएंगे, और वॉल में हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। और चेंजेस यहाँ पे हमने ये वाला साइड कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस ये जो है ये मैं लेके आई थी, ये सोफे के साथ में थोड़ा मैच कर रहा है एंड ये ओरिजिनल है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो ये मैंने लिया है। बाकी जो था वो तो है ही, बस यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि जब मंदिर आएगा तो मंदिर में ऑलरेडी लाइट जलेगा, तो यहाँ पे लाइट नहीं था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है कि 3 कॉर्नर्स में यहाँ एक लाइट हो गया, वहाँ पे जब मंदिर आ जाएगा तो फिर मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से। ये वाले सूप इसमें लाइट जल गया तो ये भी अच्छा लगता है अभी, एंड इस बार में भी लाइट जल रहा है तो ये भी अच्छा लगता है, और नीचे का ओपन करने के लिए आराम से यहाँ पे जगह आराम से ओपन हो रहा है। तो ये हो गया कुछ लिविंग रूम का लुक। बाकी यहाँ पे तो सिम्बा बेबो का घर, ये तो हमेशा यहीं पे रहता है, एंड बस ये जो सेंटर टेबल के ऊपर रखने के लिए
ये तो मैं दिल्ली से लेके आई थी, एंड ये वाला जो है ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगवाया, ये मोस्टली इसके साथ में बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बस यही है थोड़े बहुत चेंजेस। बाकी आप सब ने मोस्टली सजेस्ट किया कि वॉलपेपर चेंज कर दो, तो मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था वॉलपेपर चेंज करना अभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल की बात नहीं है, मतलब क्या है ना, हमें अच्छा लगता है पूरा ऑफ वाइट है पूरा घर, एक वॉल थोड़ा सा डार्क है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाकी हमने बस ये दो फर्नीचर चेंज कराया है, बाकी का सारा तो ब्लैक ही है। टीवी का ये देखिए, ये टीवी यूनिट, ये सारे स्पीकर्स, वो वाला शोकेस, वो झूला, ये सब ब्लैक ही है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लुक आ रहा है। एंड हमारा वॉलपेपर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, मतलब जैसे हमने नया लगाया था ना बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी इसको हटाने का खर्चा, फिर नया लगाने का खर्चा, फिर हम लोग अगर 7-8 महीने में ये घर छोड़ देंगे, फिर से इसको हटा के, नया को हटा के फिर से पेंट कराना पड़ेगा। तो फिर हम लोग सोचा कि छोड़ो इसको, छोड़ते हैं, क्योंकि बाकी का जो भी हम लोग कहीं पे शिफ्ट करेंगे तो लेके जाएंगे, तो वॉलपेपर का ज़्यादा फिर वो खर्चा आएगा। पेंट तो हमने करा दिया, क्योंकि पेंट में इतना ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी अगर बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि ये झूला यहाँ से हटा दो, उसकी जगह पे ये वाला जो चेयर है ना ये यहाँ पे रख दो, तो वो अच्छा लगेगा, नो डाउट अच्छा लगेगा, बट झूले को कहाँ रखूँ मैं। और झूला मैं अभी निकालना नहीं चाहती हूँ घर से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारा झूला, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। मुझे इसके ऊपर बैठ के चाय पीना, बैल्कनी में देखना बहुत अच्छा लगता है। घर पर भी गेस्ट आते हैं, वो भी झूले पर बैठ जाते हैं, तो अभी मैं इसको निकाल नहीं सकती। और अभी इस जगह के अलावा और इसको रखने के लिए और कोई जगह नहीं है, ना दोनों बेडरूम में जगह है, ना ही ये किसी बीच में मैं रख सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसका ये आर्क देख रहे हो, ये वाला पूरा ऊपर से नीचे तक है। तो अगर हमने चेंज भी किया था, इसको यहाँ पे रख के देखा था, बट ये आर्क जो बीच में आ रहा ना घर के लुक में बीच में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक कॉर्नर में ही वो अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे ऐसे ही लुक बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी कोई गेस्ट आए थोड़ा बहुत हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये दो चेयर है, ये दो चेयर को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, एक इधर एक इधर, गेस्ट वगैरह आए तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल डेली के लिए तो ये बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। तो बस ये हो गया हमारे लिविंग रूम के थोड़े बहुत चेंजेस। जो सामान ख़राब हुआ था वही हमने निकाला, जो अच्छे अच्छे रखे उसको निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, फिर कभी कहीं चेंज करेंगे तो धीरे धीरे फिर इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं, बट अभी ये कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस ये हो गया हमारा लिविंग रूम, बस यहाँ पे एक फैमिली वॉल बनेगा एंड वहाँ यहाँ पे मंदिर आएगा, देन लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये तो यहीं पे रहता है, कभी कभी हम इसको बेडरूम में भी ले जाते हैं। अभी सिम्बा को डांट पड़ी है तो अंदर सो रहा है वो एक्चुअली ना उसको लगा कि वो जो सोफ़ा था उसको हम लोग स्क्रैच करते थे, वो चला गया सोफ़ा, अभी नया सोफ़ा आया हम इसको स्क्रैच करेंगे। तो जैसे ही मैंने पन्नी निकाला फटाक से भाग के आया स्क्रैच करने के लिए, उसने स्क्रैच करा भी, बट ये वेलवेट इतना कुछ होता नहीं है। हमारे पास पहले वेलवेट का जो डाइनिंग टेबल चेयर था वो वेलवेट का ही था, उसको स्क्रैच करते थे कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पे आके उसने स्क्रैच भी किया बट कुछ नहीं हुआ, बस स्टिल मैंने थोड़ा सा डांटा तो अंदर जाके सो रहा है। एंड सिम्बा इसके ऊपर सोता है ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि सिम्बा सो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसका कलर, सोफे का कलर बिल्कुल मैच है। और बेबो देखो कारपेट के ऊपर सो रही है, पता भी नहीं चल रहा कोई आके चढ़ जाएगा। बाकी घर में अभी एक भी प्लांट नहीं है, एंड मुझे लगता है कि घर में थोड़ा सा ग्रीन ऐड होना तो घर में जैसे जान आ जाती है। तो अभी सारे प्लांटर्स मेरे बैल्कनी में रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे मुझे रखना है, यहाँ पे एक रखूँगी, लाइट तो हट जाएगा, तो थोड़ा सा हाइट देके एक प्लांट मैं रखूँगी एंड वहाँ पे एक रखूँगी। बट मुझे उसके लिए प्लांटर गमला जो है वो देख के अच्छा सा लाना है घर के अंदर। पहले जैसे मैंने एक साथ रखा था ना, वो एक साथ नहीं रखूँगी, एक एक भी बस रखूँगी, एक इधर, बाकी के प्लांट्स जो है मैं बेडरूम, हनी बनी के रूम वहाँ पे सब लगाऊँगी, तो वो प्लांटर लेके आऊँगी फिर उसी हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी ग्रीन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल बस थोड़ा सा एक वहाँ पे रखा है और कुछ भी नहीं है ग्रीन। तो बस यही है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। बस ये वॉलपेपर चेंज नहीं हो सकता वो सजेस्ट मत करना, एंड इसका जगह भी चेंज नहीं हो सकता वो सजेस्ट मत करना। बाकी अगर हाँ आप और कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। तो बस यही है, कैसा लग रहा है आप लोग बताना।